हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल वायुभव। हमने लास्ट लेक्चर में वायरस के सम एग्जांपल्स देखे थे, जैसे टीएमबी, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइनोफेज वायरस, वायरस विराइड्स एंड प्रियॉन्स। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि टीएमबी एंड बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जो कि आपका जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ओके, उनको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ऐसे ही आपका साइनोफेज है, जो वायरस आपके साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करें, उनको कहते हैं हम साइनोफेजेस। ओके, तो साइनोफेजेस की फर्स्ट डिस्कवरी सैफरमैन एंड मोरिस ने की थी, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, वायरस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड साइनोफेजेस या साइनोवायरस। फर्स्ट साइनोफेज डिस्कवर्ड किए गए थे 3 ब्लू ग्रीन एल्गी में, जिनके नेम है लिंगवाया फॉर्मिडियम, प्लैक्टोनिमा। इनको तीनों को मिलाकर कहते हैं LPP1। LPP1 के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जैसे कि LPP1 क्या है ना, तो LPP1 के फुल फॉर्म ऐसे हो सकते हैं लिंगवाया फॉर्मिडियम एंड प्लैक्टोनिमा। इन तीनों ब्लू ग्रीन एल्गी में सबसे पहले साइनोफेज को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम वायरस विराइड्स एंड प्रियॉन्स की। ठीक है, तो इन तीनों में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि किस में आरएनए है, किस में डीएनए है, किस में जेनेटिक मटेरियल है, किस में नहीं है, किस में प्रोटीन कोड है। तो इसलिए इन तीनों को कंपेयर करके पढ़ना आई थिंक ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए मैंने ऐसे डिस्कस करने की कोशिश की थी। ठीक है, वायरस के बाद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वायरस जो होते हैं आपके नॉन सेलुलर होते हैं, और इनकी डिस्कवरी इवानोवस्की ने की थी। इनका क्रिस्टलाइजेशन आपको पता है स्टैनले ने किया था। डीएनए या फिर आरएनए, इन दोनों में से एक जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें। प्रोटीन कोट की कवरिंग होती है इन पर। एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी सब में डिसीज कॉज करते हैं। एंड विराइड्स की बात करें तो विराइड्स जो होते हैं इनके टियोडायरा ने डिस्कवरी की थी। किसने? टियोडायरा ने। इनमें ओनली क्या होता है? आरएनए। इनमें ओनली जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। यहाँ पर प्रोटीन कोट नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नेक्ड वायरस। और इनको ये भी कहते हैं इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वो भी इसके वायरस के कंपैरिजन में लो मॉलिक्यूलर वेट का। कितना होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट का इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। ठीक है, ओनली ये प्लांट वायरस है, ये ओनली प्लांट में ही डिसीज कॉज करते हैं। ये प्लांट वायरस है, ये एनिमल में कोई डिसीज कॉज नहीं करते। विराइड्स जो है इनकी एक डिसीज भी है करके पटैटो, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड डिसीज है, पटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज। इसमें पटैटो जो होते हैं ना आपके स्पेंडल शेप्ड हो जाते हैं, पटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज। ये आपकी विराइड्स की वजह से होती है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड डिसीज है पटैटो में। ओके, विराइड्स की वजह से होती है। जो कि अब प्रियॉन्स की बात कर ले, प्रियॉन्स जो होते हैं आपके स्लो वायरस कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये ना प्रियॉन्स जो होते हैं बहुत स्लो वर्क करते हैं, ये माइंड में चले जाते हैं, किसी के भी ब्रेन में जाकर बहुत धीरे धीरे अपना काम दिखाते रहते हैं। इनको स्लो वायरस कहते हैं। प्रूसिन ने इनकी डिस्कवरी की थी। इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, ये प्रोटीन होती है। इनमें क्या होता है? ओनली प्रोटीन होती है। इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? इन्फेक्शियस प्रोटीन कहते हैं इसलिए इनको। एंड ये ह्यूमन एंड एनिमल दोनों में डिसीज कॉज करते हैं, प्लांट में डिसीज कॉज नहीं करते। ये एनिमल एंड ह्यूमन दोनों में डिसीज कॉज करते हैं। ह्यूमन में जैसे अल्जाइमर डिसीज है ना, लाफिंग डेथ है। एनिमल में लाफिंग डेथ या क्रू एनिमल्स में, ये कैटल्स में, जैसे कैटल्स में होती है बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलाइटिस। कैटल में डिसीज कौन सी कॉज करते हैं? ये बोवाइन स्पंजीफॉर्म एनसेफेलाइटिस डिसीज, जिसको मैड काउ डिसीज भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों डिसीज जो होती हैं एनिमल में ह्यूमन में, ये ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। ओके, तो हमने देखा वायरस विराइड्स एंड प्रियॉन्स, इन तीनों की डिस्कवरी, इन तीनों के अंदर क्या प्रोटीन कोट है और कौन सा न्यूक्लिक एसिड है ना, और किस चीज में डिसीज कॉज करते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की डिस्कवरी आइसैक्स एंड लिंडमैन ने की थी। इनमें एंटीवायरल, ये एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन है, सिक्रेटेड करते हैं वायरल इन्फेक्ट बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? जो कि जैसे कोई सेल है, अब वहां पर इन्फेक्शन हो गया वायरस का, अब इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, अब यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या करेगी? ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रेट करेंगी ये सेल्स जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वो वाली सेल्स ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट करेंगी। अब ये वाली जो सेल्स है अपनी नेबरिंग सेल्स को प्रिवेंट करेंगी वायरस के इन्फेक्शन से, मतलब इनको सिग्नल देंगी, तो बताएंगी कि यहाँ पर वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है ना, इससे इनको प्रिवेंट करेंगी वायरस के इन्फेक्शन से बचाएंगी, इसलिए इनको एंटी वायरल ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। बट ये बनती कैसे है? ये इन्फेक्शन वाली जहाँ पर वायरल का वायरस का इन्फेक्शन है वहीं से बनती है, उन्हीं सेल्स में बनती है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, तो अब बात करते हैं माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस जो होते हैं आपके, वो ही होगा जैसे बैक्टीरियोफेज था, ऐसे साइनोफेज था, ऐसे ही माइक्रोफेजेस, जैसे फंजाई, जो वायरस फंजाई में इन्फेक्ट करे, जो वायरस इन्फेक्ट करे फंजाई को, इन्फेक्टेड फंजाई कॉल्ड माइक्रोफेजेस या माइक्रोवायरस, आर कॉल्ड माइक्रोवायरस या माइक्रोफेजेस। ठीक है, इसकी फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सिंडेन, इन्होंने सिंडेन ने डिस्कवर किया था एगेरिकस बायस्पोरस में। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इनमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। माइक्रोफेजेस में रेट्रोवायरस की बात करें तो रेट्रोवायरस जो होता है आपका, ऐसे वायरस जो कि आरएनए से डीएनए बना दे, मींस आरएनए से डीएनए बनाने की जिसके पास एबिलिटी है उसको रेट्रोवायरस कहते हैं। जैसे आपका आरएनए से डीएनए बनाने को कहते हैं हम रिवर्स, इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस होता है वो करता है। अब ये जो आरएनए से डीएनए बनता है, वैसे तो बनता है डीएनए से आरएनए, जिसको हम कहते हैं डीएनए से आरएनए को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डॉग्मा में हम स्टडी करते हैं सेंट्रल डॉग्मा, जो कि दिया गया था क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? प्रपोज्ड बाय क्रिक। इन्होंने बताया था कि डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं, डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, बट डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बना तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलेशन इस प्रोसेस को, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, है ना। अब जब आरएनए से वापस से डीएनए बन जाए, आरएनए से डीएनए बन जाए, तो उसको कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है रेट्रोवायरस में, ठीक है। ये आपका एचआईवी वायरस में भी होता है ऐसा, एचआईवी वायरस भी में होता है एंड राउ सार्कोमा वायरस में भी होता है। इसकी फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? टैमिन एंड बाल्टीमोर ने राउ सार्कोमा वायरस में की थी, इसलिए इसकी इन दोनों की डिस्कवरी की बेसिस पर इसको कहते हैं टैमिनिज्म। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कहते हैं टैमिनिज्म। ओके, अब बात करते हैं हम इस पर माइकोप्लाज्मा जो होती है, इनकी डिस्कवरी नोकार्ड एंड जॉक्स ने की थी 1898 में। ये टर्म जो दिया था नोवाक ने दिया था, इनको कहते हैं हम, ये इनमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इनको पीपीएलओ कहते हैं, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनको सबसे पहले पीपीएलओ किसने कहा था? स्टैनली ने, पास्चर ने पीपीएलओ का टर्म दिया था, पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं, है ना। इनके इनके पास ना सेल वॉल नहीं होती, यहाँ पर सेल वॉल अब्सेंट होती है, नो सेल वॉल। इनमें 70S राइबोसोम होता है, ये बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ये वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये जो होते हैं आपके, ये माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं आपके, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि इनका ना कोई शेप नहीं होता, प्लियोमॉर्फिक होते हैं ये, प्लियोमॉर्फिक, इनके पास कोई शेप नहीं होता अपना, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। माइक्रोप्लाज्मा को कहते हैं जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी,
क्योंकि इनके पास सेल वॉल तो है नहीं, इसलिए किसी भी शेप में चले जाते हैं, किसी भी शेप का बना लेते हैं अपने आप को, इसलिए इनको जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, है ना। और इनके में ये प्लियोमोर्फिक होते हैं, किसी भी शेप में रह सकते हैं। और इनको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच का कनेक्टिंग लिंक, और वायरस को किसका कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ऐसे ही माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है बैक्टीरिया और वायरस के बीच का कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे सब इन सबसे रिलेटेड डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इन सब की डिसीजेस को एक जगह सारी इंपॉर्टेंट डिसीजेस को जो कि वायरस से, वेगाइट से, प्रियॉन से, माइकोप्लाज्मा से होती हैं, इन सबको मैंने एक जगह कलेक्ट किया है। इसमें को अच्छे से डिसीजेस को लर्न करेंगे, ठीक है। सो आज इतना ही, थैंक्स। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड समझ में आया होगा। आप इसको रिवीजन करें एंड बार बार रिवीजन करें और इसको अच्छे से लर्न करें, क्योंकि सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सारी टर्म्स। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।